करनाल के लघु सचिवालय में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना तथा लघु व्यापारी एवं स्वरोजगारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम में करनाल के सांसद संजय भाटिया व डीसी विनय प्रताप ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद संजय भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन पेंशन योजना कोई घाटे का सौदा नहीं। श्रम विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के अधिकारी इसके प्रचार प्रसार के लिए जन जागरण अभियान चलाएं, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2.5 करोड़ आबादी में कम से कम आधे लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। योजना की शर्तों के अनुसार जो व्यक्ति 18 से 40 वर्ष की आयु तक महीने निर्धारित राशि को पेंशन स्कीम में जमा करवाए, 60 वर्ष की आयु होने पर उसे हर माह 3,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अथवा लाभार्थी सरकारी की दूसरी योजना जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ भी ले सकता है। यही नहीं, यदि लाभार्थी की किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो वह अपना जमा किया गई शेयर राशि ब्याज सहित वापस ले सकता है। पेंशन की विशेषताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीती फरवरी में पूरे देश में लागू की गई थी। इसके पीछे उनकी सोच थी कि गरीब व्यक्ति का भला होना चाहिए। इस मौके पर डीसी विनय प्रताप सिंह के सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।